जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। कौन खराब कर पास पास मार भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ट्रक यूनियन जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, भारत की एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। ट्रक यूनियन जिंदाबाद। एक मिनट, डेढ़ मिनट वीडियो आंदे वीडियो में भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। माता की जय हो। हमारी एकता जिंदाबाद। ट्रक यूनियन जिंदाबाद। ट्रक यूनियन जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। प्रदर सिंह है, मैं ट्रक एसोसिएशन शिव का अध्यक्ष हूँ। हमारे लिग्नाइट का जो काम चल रहा है गिरल माइंस और सोनडी माइंस से, बाड़मेर जिले में दो माइंसें हैं जो मार्केटिंग के लिए लिग्नाइट भेजती है, उस पर हमारे ट्रकों का काम चलता है और हजारों ट्रक और हजारों परिवार उसके ऊपर पलते हैं। उस ट्रक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसका RSMM जो कॉरपोरेशन है जिसके तहत ये खनिज विभाग काम कर रहा है, उन्होंने उसका ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर किया है। पहले भी हमने विरोध किया था, उसका ज्ञापन वगैरह सब दिए थे, उसके बावजूद भी 21 तारीख को टेंडर हो गया। टेंडर की ये एक दो दिन में ही टेंडर खुलने वाले हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। माननीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देंगे और मंत्री जी और विधायक महोदय बाड़मेर विधायक मेवाराम जी को भी ज्ञापन देंगे और उसके बाद में उनके खिलाफ वो टेंडर रोकने के लिए हम जो उनको गुजारिश करेंगे, टेंडर किसी हालत में रोका जाए, ये गरीबों की रोजी रोटी को रोकने वाली प्रक्रिया है, इसको रोकी जाए। टेंडर होने से मोनोपोली होगी और मोनोपोली से हमारे गरीब लोगों के यहाँ जो कई सालों से धंधा कर रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान को किसी भी तरीके से रोकने के लिए हम सब एकजुट होकर के यहाँ आए हैं और आगे भी इस टेंडर के लिए जो भी प्रक्रिया इसको रोकने के लिए हमें अपनानी पड़ी, हम अपनाएंगे। तो आप पहले भी प्रशासन से मिले थे, तो क्या वार्ता हुई थी, क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन दिया था कि टेंडर को रोक देंगे, नहीं होगा। उसके बावजूद भी टेंडर हुआ है। हम लोग मंत्री जी से मिले थे, मेवाराम जी से भी मिले थे, कलेक्टर साहब से, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया था हमने, लेकिन उसके बावजूद जो टेंडर तो हो गया, अब वो फिर टेंडर अभी उसकी प्राइस बीट खुलनी है, वो नहीं खुले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कितने ऐसे ट्रक संचालक और कितने परिवार है जो प्रभावित हो रहे हैं? दोनों यूनियनों में करीब 2000 के तो ट्रक है और 40,000 से 50,000 लोगों का रोजी रोटी का सवाल है। बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा उद्योग, लोगों का सबसे बड़ा जीवन यापन का जरिया, अगर सिवाय खेती के कोई है तो वो लिग्नाइट ट्रांसपोर्ट है और उसके ऊपर अगर किसी की मोनोपोली हो जाएगी तो बाड़मेर जिले का मेन जो कारोबार है, जो लोगों का धंधा है, वो चौपट हो जाएगा, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं हम। किशन सिंह राठौड़, महामंत्री शिव तहसील ट्रक यूनियन। ये जो लिग्नाइट टेंडर किया जा रहा है, यहाँ पे जिनकी ट्रकें हैं, जिनकी भूमि अवाप्त हुई थी, उस भूमि के पैसे से इन्होंने ट्रकें ली और उन ट्रकों से अपना घर का रोजगार चला रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा RSMM द्वारा एक ट्रांसपोर्ट का टेंडर किया जा रहा है, उस टेंडर को निरस्त करवाने के लिए हम पहले विधायक महोदय से अभी मिले हैं, अब मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। तो इससे आपको कितना नुकसान भुगतना पड़ रहा है? नुकसान होगा, वो जो टेंडर आएगा वो उसकी मोनोपोली चलेगी और उसकी खुद की ट्रकें चलेगी और यहाँ की जो लोकल ट्रकें हैं उनको बिल्कुल जनहानि हो जाएगी, स्थानीय को फायदा नहीं होगा।